हेलो दोस्तों, मुंबई की रहने वाली पूनम की तरह ही क्या आपका भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है? पूनम की तरह ही प्यार के नाम पर क्या आपको भी प्यार में धोखा मिला है? क्या पूनम की तरह ही आपके बॉयफ्रेंड ने भी बिना किसी खास वजह के ही एकदम अचानक से आपको छोड़ दिया है? या फिर जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप पिछले कई दिनों से प्यार वाले रिश्ते में हैं, उस इंसान ने पहले तो आपको एकदम दिल से प्यार दिया, फिर अपना मतलब निकालकर उन्होंने आपको छोड़ दिया है? पूनम के बॉयफ्रेंड की तरह ही क्या आपके बॉयफ्रेंड ने भी आपसे बहुत सारे वादे किए थे, जैसे कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। जिंदगी में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एकदम अचानक से बिना किसी वजह के ही पूनम के बॉयफ्रेंड की तरह ही आपके बॉयफ्रेंड ने भी यह बोलकर आपसे ब्रेकअप कर लिया है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, पर मेरे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। पर पूनम की तरह आप भी अपने बॉयफ्रेंड को एकदम सच्चा प्यार करते हैं, एकदम दिल से प्यार करते हैं, इसलिए आपने भी पूनम की तरह अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास करके खुद का तन और मन पूरी तरह से अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया है। तो अगर आपको भी पूनम की तरह प्यार के नाम पर धोखा मिला है, तो ऐसे में आपको पूनम की यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव सक्सेस स्टोरी बिना स्किप किए पूरी जरूर देखनी चाहिए। माना कि आपका रिश्ता उनके साथ एकदम खराब हो गया है, माना कि पार्टनर ने प्यार के नाम पर आपको धोखा दिया है, यह भी माना कि शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड को अपना सब कुछ देकर आपने बहुत बड़ी भूल की है, पर आपने जो भी किया है वो तो सिर्फ एक भूल है जो किसी भी इंसान से हो सकती है। पर आपके बॉयफ्रेंड ने जो आपके साथ किया है वह एक सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि प्यार के नाम पर आपसे झूठे वादे करके पहले तो बॉयफ्रेंड ने आपको यह विश्वास दिलाया कि वह आपसे ही शादी करेंगे, फिर आपके जिस्म के साथ खेलकर उन्होंने आपको छोड़ दिया। यह एक सोची समझी प्लानिंग ही तो थी, यह एक धोखा ही तो था, नहीं तो आपका बॉयफ्रेंड किसी भी कीमत पर आपसे शादी करता। यह एक कड़वा सच है, पर जो इंसान आपको फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मना सकता है, क्या वह इंसान अपने घर वालों को शादी के लिए नहीं मना सकता है? यह सोच कर देखना, आपको भी सब समझ आ जाएगा कि सच तो यह है कि वह आपसे शादी करना ही नहीं चाहते है। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो दो प्यार करने वालों को एक होने से रोक सके। पर पिंकी की तरह अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको भी पिंकी की तरह हार नहीं माननी है। पिंकी की तरह आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वह टेक्निक करनी है, जिस लव बैक टेक्निक को 9 दिन करते ही पिंकी के बॉयफ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पिंकी का बॉयफ्रेंड पिंकी से शादी करने के लिए इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसको पहले चलाकर फिर से पिंकी के पास आना ही पड़ा। पिंकी के बॉयफ्रेंड को पिंकी से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहते हैं, उसे खुद के प्यार के लिए तड़पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भी वह एक्स बैक टेक्निक करनी होगी जो टेक्निक पिंकी ने अपना खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए की है। तो चलिए अब मैं आपको वह लव सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, जो सक्सेस स्टोरी मुंबई की रहने वाली पूनम ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे सेंड की है। पूनम लिखती है, शिवांगी दीदी, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मैं दीपक के साथ पिछले 3 साल से रिश्ते में थी। मैं और दीपक एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ऐसा बहुत कम बार ही हुआ है कि हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई लड़ाई हुई हो। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, दीपक मुझे हरदम इस बात का एहसास दिलाता था। दीपक मुझे ऐसा फील भी करवाता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बहुत से वादे भी किए थे, जैसे कि पिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पिंकी मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, पिंकी मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ना जाने ऐसे कितने ही प्रॉमिस दीपक ने मुझसे किए थे। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, दीपक मुझको बहुत बार यह भी बोलता था कि पिंकी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। दीदी, दीपक की ऐसी बातें सुनकर मुझे खुशी से रोना भी आ जाता था। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, क्योंकि मैं और दीपक काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मैं और दीपक एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ गए थे। पहले तो मैं दीपक को ऐसा करने से रोकती
करती थी। मैं दीपक को कई बार यह भी बोलती थी कि हम दोनों यह सब शादी के बाद ही करेंगे। दीपक भी एकदम आसानी से मान जाता था। उसने दूसरे लड़कों की तरह कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, पिछले कुछ दिनों से दीपक थोड़ा उदास सा रहने लगा था। मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने मुझे कहा कि पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे एकदम दिल से प्यार करता हूँ, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। दीदी, जब मैंने दीपक को इसका कारण पूछा तो दीपक ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि दीपक मेरे करीब आना चाहता है। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, वह वैलेंटाइन डे का दिन था जब दीपक ने मेरे लिए एक पार्टी अरेंज की थी। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी दीपक ने बहुत बार रूम बुक करके मेरे लिए पार्टी अरेंज की थी। उस पार्टी में सिर्फ मैं और दीपक ही होता था। मैंने कई बार दीपक से पूछा भी था कि तुम ऐसी पार्टी क्यों देते हो जिसमें सिर्फ मैं और तुम ही होते हैं, दोस्तों को भी बुलाया करो, एक साथ पार्टी करेंगे। तो दीपक मुझे यह बोलने लगता था कि पिंकी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पिंकी तुम सिर्फ मेरी हो, पिंकी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, इसलिए पिंकी मैं जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ना कि दोस्तों के साथ, पिंकी इसलिए मैं अकेले में तुम्हें पार्टी देता हूँ। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, इस बार भी पार्टी में हम दोनों ने काफी इंजॉय किया, पर दीपक के फेस पर वो पहले वाली खुशी नहीं थी जो मेरे साथ होने पर दीपक के फेस पर होती थी, पर मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि दीपक मेरे करीब आना चाहता है, मुझे प्यार करना चाहता है, मुझे महसूस करना चाहता है। दीदी, मुझसे दीपक की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने दीपक का हाथ पकड़कर मेरी कसम देकर दीपक को यह पूछा कि दीपक प्लीज तुम मुझे यह बताओ, तुम इतना उदास क्यों रहते हो, तुम्हें मेरी कसम है। ऐसे में दीपक ने मुझसे ऐसा कहा कि पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझसे हम दोनों के बीच की यह दूरियाँ एकदम भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर पिंकी, हम दोनों की शादी होने में तो कम से कम अभी एक साल की देरी है, क्या करूं पिंकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना तुम मुझसे यह दूरियां बर्दाश्त हो रही है, ना ही इतनी जल्दी हम दोनों की शादी हो सकती है। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मुझसे राहुल की ऐसी हालत देखी नहीं गई। दीदी, मैंने राहुल को बोल दिया कि दीपक तुमको रोका किसने है, दीपक तुम्हें पूरा हक है, तुम मुझे प्यार कर सकते हो। जैसे ही मैंने यह बात दीपक को बोली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई, जैसे दीपक इस बात का इंतजार ही कर रहा था। दीदी, मेरे ऐसे बोलते ही दीपक ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जिस दिन दीपक ने मुझे किस किया था। इसके बाद तो मुझे यह पता भी नहीं चला कि कब मैं पूरी तरह से दीपक के साथ फिजिकल हो गई। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, दीपक अब धीरे धीरे कुछ बदल सा गया था। पहले जहां दीपक मेरी हर खुशी का ध्यान रखता था, कभी भी किसी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं करता था, पर अब तो हर दूसरे दिन ही दीपक मुझसे फिजिकल होने की जिद करने लगता था। जब भी मैं उसकी यह बात नहीं मानती थी या उसे यह समझाती थी कि शादी के पहले यह सब करना गलत है, तो दीपक मुझ पर ही गुस्सा करने लगता था। मैं भी क्या करती, मैं दीपक से बहुत प्यार करती थी, उसका प्यार किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कभी तो दीपक की फिजिकल होने की बात मान लेती थी तो कभी नहीं मानती थी। पिंकी आगे लिखती है कि शिवांगी दीदी, ऐसे पूरे 2 साल तक चलता रहा। एक वाइफ की तरह ही दीपक मेरे साथ फिजिकल एंजॉय करता रहा। दीदी, मैं यह सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही थी, मैं तो यह सब दीपक की खुशी के लिए कर रही थी, पर जब भी मैं दीपक को शादी करने की बात बोलती थी तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। इधर मेरे घर वालों ने भी मुझ पर शादी करने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले जिस भी लड़के को मेरे लिए पसंद करते थे, मैं उन सारे लड़कों को किसी न किसी बहाने से न बोल देती थी। एकदम परेशान होकर एक दिन तो मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि हम जिस भी लड़के को तुझे दिखाते हैं, तुम किसी न किसी बहाने से उसे रिजेक्ट कर देती हो, कहीं तुम्हारा किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं है, तुम किसी से प्यार करती हो तो हमें बता सकती हो। लड़का अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे पापा से बोलकर तुम्हारी शादी उस लड़के से ही करवा दूंगी। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी, मैं भी क्या करती, मैं किस मुख से माँ को यह सब बोलती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ पर वह मुझसे शादी नहीं कर रहा है। दीदी एकदम हैरान परेशान होकर एक दिन मैंने दीपक को यह साफ साफ बोल दिया
कि दीपक तुम जल्दी कुछ करो, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो जल्दी ही मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे। पर जब मैंने यह बात दीपक को बोली उस समय तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, पर उसी दिन रात के समय दीपक का फोन आया। दीपक ने मुझे कहा कि पिंकी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, तुम एक काम करो जहाँ तुम्हारे घर वाले बोले वहाँ शादी कर लो। दीपक ने ऐसा बोलकर फोन एकदम से कट कर दिया, उसने मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, उसने सब जगह से मुझे ब्लॉक भी कर दिया। शिवांगी दीदी उस दिन में कितना रोई यह तो मुझे ही पता है, शिवांगी दीदी में तो सब तरफ से एकदम बर्बाद हो चुकी थी। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही दीपक को दे दिया था, पर मैं तो दीपक से अब भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने दीपक से कांटेक्ट करने की, उससे बात करने की, उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर दीपक तो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। मैं एकदम उदास रहने लगी, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगी। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी अभी भी मैंने हार नहीं मानी थी, मुझे अभी भी यह उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी यह प्रॉब्लम मेरी एक फ्रेंड नेहा को भी पता थी, जो आपके चैनल के सारे वीडियो देखती है, उसने मुझे आपके चैनल के सारे वीडियो देखने को कहा। उसने मुझे यह भी कहा कि दीदी के चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट का पूरा नाम एक्स बैक सक्सेस स्टोरी डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल है। पिंकी उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो जरूर से देख लेना, जिस प्लेलिस्ट के वीडियो में लड़कियां खुद बता रही है कि शिवांगी दीदी ने कैसे उनके टूटे हुए रिश्ते को एकदम प्यार भरा बना दिया है। इसके साथ ही उसने मुझसे यह भी कहा कि दीदी कमाल की थर्ड आई रीडिंग भी करती है, तुम भी चाहो तो थर्ड आई रीडिंग करवा लेना। मैंने उसी रात एक एक करके दीदी आपके चैनल के सारे वीडियो देख लिए। सक्सेस स्टोरी के वीडियो तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने उन वीडियो को कई कई बार देख लिया। उन वीडियो को देखकर मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट हो गई कि मुझे यह पक्का विश्वास हो गया कि मुझे भी मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है, इसलिए मुझे थोड़ी कोशिश और करनी चाहिए। नेहा आगे लिखती है, शिवांगी दीदी आपको तो याद ही होगा कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर आपसे कांटेक्ट किया था। दीदी मैंने आपसे थर्ड आई रीडिंग करने की बहुत रिक्वेस्ट भी की थी। दीदी आपको तो शायद यह याद ही होगा कि आपने थर्ड आई रीडिंग करके मुझे दो टेक्निक सजेस्ट की थी। एक टेक्निक थी किसी के दिल में अपने लिए प्यार कैसे जगाए डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल, इस टेक्निक के वीडियो का लिंक भी आपने मुझे दिया था। दूसरी टेक्निक जो आपने मुझे 21 दिन करने को कहा था वह एक सीक्रेट टेक्निक थी, इसलिए उस टेक्निक के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी। इसके बाद आपने जैसे बताया था मैंने पूरे फेथ के साथ उन दोनों टेक्निक को करना शुरू कर दिया। दीदी अभी मुझे उन दोनों टेक्निक को करते हुए 9 दिन ही हुए थे कि एक दिन एकदम अचानक से दीपक का कॉल आया। वह फोन पर रो रहा था, वह अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी भी मांग रहा था, वह मुझसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि पिंकी मुझे तुमसे ही शादी करनी है, पिंकी प्लीज मान जाओ, पिंकी तुम समझती क्यों नहीं हो, तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तो मर ही जाऊंगा, पिंकी प्लीज तुम हम दोनों की शादी के लिए हाँ बोल दो, मैं मेरे पापा को कल ही तुम्हारे घर भेज दूंगा, पिंकी तुम जब भी बोलोगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं एकदम चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी, वह मुझसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक चांस और दे दो, पिंकी प्लीज मुझसे शादी कर लो। पिंकी आगे लिखती है, शिवांगी दीदी पता नहीं उस वक्त मुझे हो गया था, मैंने एकदम से दीपक को पूछ लिया कि दीपक तुमने तो 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ दिया था, फिर आज अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दीपक तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई, तुम्हारे घर वाले तो हम दोनों की शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो दीपक अब तुम्हारे पापा मेरे घर कैसे आएंगे। मेरे ऐसे कहने पर वह और जोर जोर से रोने लगा। दीपक ने मुझसे कहा कि पिंकी प्लीज तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, पिंकी तुम अब भी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानी तो मैं तो पूरा पागल ही हो जाऊंगा। दीपक ने मुझसे यह भी कहा कि पिंकी क्या तुम्हें पता है कि पिछले 9 दिनों से मैं सोया भी नहीं हूँ, जैसे ही मुझे नींद आने लगती है वैसे ही दुल्हन के रूप में तुम मुझे सपने में दिखाई देने लगती हो, वह भी किसी और लड़के के साथ विवाह के मंडप में फेरे लेते हुए। पिंकी जैसे ही मुझे ऐसे सपने आते हैं पिंकी मैं पूरा बेचैन हो जाता हूँ, मैं सपने में भी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, तो असल में कैसे देख सकूँगा। पिंकी मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि मुझे ऐसे सपने हर दिन आना
यह मेरे लिए यूनिवर्स का एक संकेत है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। यूनिवर्स ने हम दोनों को एक होने के लिए ही बनाया है। यूनिवर्स हमें पति पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। यूनिवर्स हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स जी के आदेश को मानकर प्लीज पिंकी तुम मुझसे शादी कर लो। दीपक ने जैसे ही यह 9 दिन वाली बात मुझे बोली, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे भी सीक्रेट टेक्निक करते हुए 9 दिन ही हुए थे। मुझे यह समझ आ गया कि यह सारा कमाल दीदी की थर्ड आई रीडिंग का है। दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके जो सीक्रेट टेक्निक मुझे सजेस्ट की थी, यह कमाल उन दोनों टेक्निक का है। दीपक का इस तरह रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे कह दिया, चलो कोई नहीं, तुम अपने पापा को कल मेरे घर भेज देना। पिंकी आगे लिखती है, दीदी जैसे आपने मेरी हेल्प की वैसे सबकी हेल्प करना। थैंक यू शिवांगी दीदी। तो यह थी पिंकी की प्यारी CX बैक सक्सेस स्टोरी जो पिंकी ने मुझे आप लोगों को सुनाने को कहा था। एक मिनट रुकना, मैं एक्स बैक सक्सेस स्टोरी की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सारे वीडियो देख लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में पिंकी को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर से बोलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।